हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रहना में अनमोल। आप सबका डीपीटी पाठशाला में स्वागत है। आरआरबी मिनिस्ट्रेटर पोस्ट में आज जो जो शिफ्ट में एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चलिए हम टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट महात्मा गांधी जो थे वो पहला पॉलिटिकल मूवमेंट कब से स्टार्ट, कौन से सत्याग्रह से स्टार्ट किए थे, तो है चंपारण सत्याग्रह से इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब यह महात्मा गांधी से जितने रिलेटेड है ईयर इंपॉर्टेंस ईयर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका से इंडिया में कब आए थे, वो भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वो था 1915। विच ऑफ दिस फॉलोइंग हाईली मेलिबल मेटल्स कौन सा है, तो वो होगा गोल्ड, ठीक है। ठीक है, और वी गोल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट दोस्तों है विच मुगल एम्पायर है हिज वाइफ इज प्रिजन, मतलब जेल में थी वो, शायद मेरे को थोड़ा डाउट है लेकिन आप लोग देख लीजिए, औरंगजेब होगा, औरंगजेब था, ठीक है। औरंगजेब होगा, URANZ होगा, ZEB औरंगजेब, ठीक है, आई होप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने ये कल ही करवाया था दोस्तों, कल ही बोला था फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए अभी एग्जाम में पूछ दिया है। तो कौन है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, B.R. अम्बेडकर जी हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, सबको पता है 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंस अगले एग्जाम में आने वाले हैं, जो मैंने कल करवाया तो वही क्वेश्चन देखने को अब मिल रहे हैं। वो इन्होंने फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं दोस्तों, आई होप फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, वो है खान अब्दुल जफर खान को हम क्या बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने शेड्यूल हैं, 12 हैं, 12 शेड्यूल हैं। आप लोग याद कीजिए आर्टिकल शेड्यूल्स और अमेंडमेंट आप लोग जरूर देख लीजिएगा जो एग्जाम देने वाले हैं। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग कब हुआ था, मुस्लिम लीग जो डायरेक्ट एक्शन डे वो कब काम होता, 16 अगस्त 1946 है, 16 अगस्त कब से 1946 से। आई होप आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड कौन था, ट्रांजिस्टर था, ठीक है। ट्रांजिस्टर कौन था, सेकेंड बेस्ड कंप्यूटर नंबर। उसका नेक्स्ट आता है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। पहले 7 था, फिर 9 हुआ, फिर 8, अभी फिलहाल 8 है, ठीक है, 8 है। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ गया, सुभाष चंद्र बोस का पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, उनका नाम था जानकीनाथ बोस, ठीक है। जानकीनाथ बोस उनका, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम था। सीरिया कैपिटल बोला दोस्तों, जो होता है डोमास्कस होगा, ठीक है। रियाल जो करेंसी है, कौन सी कंट्री की ये करेंसी है रियाल, वह ब्राजील। आपको करेंसी एक बार देख लीजिएगा और कैपिटल देख लीजिएगा, ठीक है, वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों, ठीक है। 2021 में मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस, ठीक है, ये मुख्य अतिथि कौन है, लोगों को पता है ये यूके के हैं, बोरिस जॉनसन है, जो कि आने वाले हैं गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे, ठीक है, 2021 में, जो कि यूके के प्राइम, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, यूके ब्रिटेन का बोरिस जॉनसन, ठीक है। 2020 IPL विनर कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 का IPL विनर कौन है, तो ये मुंबई इंडियन है, ठीक है। फाइनल में मुंबई इंडियन और दिल्ली दोनों पहुंचा था, लेकिन मुंबई यहाँ पे विनर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाएगा कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार चीफ मिनिस्टर और गवर्नर एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। साइना नेहवाल है, ये कौन सी खेल से बिलोंग करती है, वह बैडमिंटन से। तो आप लोग एक बार जो इंपॉर्टेंट जो सेलिब्रिटीज हैं जो कि उनके बारे में एक बार देख लीजिएगा, कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। गाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, गाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन है, तो इसका नाम है ENIC क्या है, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, आप लोगों को समझ में दोस्तों आ रहा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मृत्यु किस देश में हुआ है, कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मृत्यु हुआ है दोस्तों, कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मृत्यु किसका, अमेरिका में हुआ, अमेरिका का कैपिटल क्या, कैपिटल किसे, वाशिंगटन DC भी होता है। स्वामी विवेकानंद जो थे वो शिकागो में पहली बार संबोधित किए थे, वो ईयर क्या था, 1893 को किए थे, 1893 को स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था शिकागो में। ICC जो सेवेंथ ICC महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप किसने जीता है, किताब किसने जीता, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता, पता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया से कैप्टन का होता है, कैनबेरा होता है। ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस का जो रिटर्न कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता है, तो हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है, ठीक है, हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है। लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कौन था, तो राजा गोपालाचार जी हैं जो है लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। फर्स्ट वामेन वो कौन सी पहली
महिला है वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली, जो वर्ल्ड में कौन सी पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर गई है, उनका नाम है जुन्को तबाई। जुन्को तबाई जी है जो कि वर्ल्ड की पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर गई है। और इंडिया का पूछेगा तो इंडिया का पता है दोस्तों यह बचेंद्री पॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बचेंद्री पॉल, ठीक है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइपर फ्लोरिक अम्ल है। हाइपर फ्लोरिक अम्ल जो है दोस्तों की कांच पर लिखने का काम में आता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे, समुद्र की कितना जो डीप है कैसे मेजर करते हैं, वो है फैदोमीटर से मेजर करते हैं कि समुद्र की कितनी गहराई है। आई होप आप लोग को दोस्तों समझ में आ रहा होगा। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन 1954 में हुई भारत चीन की समझौता उसका नाम क्या था, भारत और बीच चाइना के बीच में जो समझौता हुआ था उसका 1924 का नाम क्या था, उसका नाम था पंचशील समझौता, ठीक है। प्रार्थना समाज का स्थापक कौन है, प्रार्थना समाज का स्थापक कौन था, वह आत्मा राम पांडुरंग जो है ये प्रार्थना समाज का स्थापक है, ठीक है। एक वन जूल में कितना होता है, वन जूल में कितना अर्घ होता है, ठीक है। उड़ीसा जो क्लासिकल डांस आप देख लीजिएगा, क्लासिकल डांस और फोक डांस देख लीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लासिकल डांस कौन सा स्टेट का है, ये उड़ीसा का है, ठीक है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, टीपू सुल्तान जो थे कहाँ के शासक थे, ये तो मैसूर के जो शासक काल थे, ठीक है। फर्स्ट बोध गया जो हुआ था परिषद कहाँ हुआ था, वो राजगृह में हुआ था, राजगृह में जो हुआ था वो फर्स्ट बोध परिषद गया हुआ था। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज माध्यम की क्षमता किससे होती है, बाइट से होती है। स्टडी ऑफ कैंसर की जो बीमारी होती है उसको जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, और उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ऑन्कोलॉजी वो बोलते हैं। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी कंट्री में है, सबसे लंबी जो दोस्तों रेल सुरंग है वो स्विट्जरलैंड में है, जिसका कैपिटल होता है बर्न होता है, कैपिटल देख लीजिएगा। और इसके जो लंबाई है 57 किलोमीटर है, इसको बनाने में 20 साल लग गए थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ऐसे ही मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपने कल का एनालाइज पेपर नहीं देखा तो प्लीज, आपने कल पूरा डीपली आपको समझाने की कोशिश किया है, उसमें से क्वेश्चन आपको इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं, यही अगले शिफ्ट में आपको देखने को क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।